नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। राजस्थान पुलिस का फॉर्म भर दिया है। अगर आपने नहीं भरा है तो जल्दी से जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं, राजस्थान पुलिस की तैयारी कर सकते हैं। आज हम कुल 40-61 से लेकर 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं। 40 प्रश्न करेंगे जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पूरा पेपर एक ही लक्ष्य, राजस्थान पुलिस। स्टार एजुकेशन पर राजस्थान पुलिस की क्लासेज चलती रहेगी दोस्तों। पहला प्रश्न, प्राचीन राजस्थान में मूर्तिकला का प्रतीक नाग की शिव प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई है? चार ऑप्शन है, चारों में से आपको बताना है। राइट आंसर है अजमेर। कौन सा जिला दोस्तों? अजमेर जिले से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र? बौद्ध धर्म से संबंधित सवाल पूछा गया है। प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में देते रहिए अगर आपको पता है तो। राइट आंसर दोस्तों वो है आपका बैराट, विराट नगर, जो जयपुर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ये जो पेपर है 2018 का पेपर सेट है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सभी सवाल प्रश्न पूछे गए हैं। सुपासना क्या है? सुपासना चित्रम क्या है? चित्रित ग्रंथ, हथियार, लेखांकन या रथ? राइट आंसर दोस्तों चित्रित ग्रंथ। क्या है? चित्रित ग्रंथ। नेक्स्ट, कटिबंधु के नाम से प्रसिद्ध निम्न में से कौन सा राजा प्रसिद्ध? कटिबंधु के नाम से 64 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों, यस दोस्तों, विग्रहराज चतुर। नेक्स्ट देखेंगे, हमीर मर्मर्दन नामक साहित्य कृति के लेखक कौन है? नेक्स्ट 55 नंबर 65 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जय सिंह। कौन है दोस्तों? जय सिंह। निम्नलिखित में से क्या करना? कालक्रम, पहले कौन सा राजा, फिर कौन से राजा, फिर कौन से राजा। 66 नंबर प्रश्न का राइट आंसर यस, सबसे पहले चेतन सिंह, तेज सिंह, समर सिंह। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। मेवाड़ के किस शासक ने समय जावर की खान, जहाँ पर दोस्तों चांदी की खान है जावर, जो उदयपुर के अंदर स्थित है, उदयपुर या फिर इसे मेवाड़ के नाम से जाना जाता है? यस, राणा लाखा या फिर लक्ष सिंह के काल में मिली। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित है? कुंभा द्वारा रचित, अब सवाल पूछा नहीं है, सवाल पूरा पढ़ना है, प्रश्न को पूरा पढ़ना है। 68 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है संगीत स्वप्न। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वागड़ का नहीं है? वागड़ क्षेत्र कौन सा? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यस नहीं। तो दोस्तों 69 कानड़देव प्रबंध जालोर का है। जालोर किस क्षेत्र में आता है? मारवाड़ के अंदर। किसके अंदर आता है? मारवाड़ क्षेत्र के अंदर आता है। खानवा का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो दोस्तों खानवा है कहाँ है? भरतपुर के अंदर है। और खान भरतपुर, खानवा रूपा रेल नदी के किनारे स्थित है। और ये 70 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है 1527 के अंदर लड़ा गया था। महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष? महाराणा प्रताप का जन्म 71 प्रश्न का राइट आंसर 1540 क्या है? 1540 के अंदर हुआ था। माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन से संबंधित है? माधो सिंह व गोविंद सिंह 72 प्रश्न का राइट आंसर बेंगू किसान आंदोलन। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 73 प्रश्न का राइट आंसर 1938 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे, चुनीलाल व अमृतलाल पार्क का संबंध किस प्रजामंडल के मुख्य जुड़ा हुआ है? किस प्रजामंडल से जुड़ा हुआ? 74 प्रश्न का राइट आंसर प्रतापगढ़ प्रजामंडल। नेक्स्ट देखेंगे, मत्स्य संघ का उद्घाटन 75 नंबर प्रश्न 18 मार्च 1948 राजस्थान का प्रथम चरण। और दोस्तों कुल 7 चरणों में हुआ। कौन सा चरण? 7 चरणों में हुआ था, एकीकरण। अंतिम है 1 नवंबर 1956।
नेक्स्ट लाठी सीरीज। दोस्तों लाठी सीरीज क्या है? 76 नंबर प्रश्न का भूगर्भीय जल पट्टी है ये आपके मोहनगढ़ से लेकर पोकरण तक, यस जैसलमेर के अंदर है, वेरी इंपॉर्टेंट। भूगर्भीय जल पट्टी है, यहाँ पर सेवन घास होती है। क्या होती है दोस्तों? सेवन घास, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अरावली पर्वत के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, गलत तथ्य छापे। यह विश्व की प्राचीन पर्वतमाला में से बिल्कुल सबसे प्राचीन, और दोस्तों इसकी लंबाई है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी लंबाई क्या है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करेंगे, लंबाई क्या है? इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान के अंदर सही है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु जी करें, लेकिन इसकी लंबाई मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें सब स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है? क्या है? थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है। 78 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। दोस्तों यहाँ पर शुष्क अर्धशुष्क जलवायु या रेतीली मिट्टी, दोस्तों यहाँ पर सदाबहार वन नहीं पाए जाते, और यही पूछा आपसे, क्या पूछा है? यही आपसे पूछा है, तो प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए देखिए, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है? 79, यस हड़ौती का पठार। सन 1730 में राजस्थान के जोधपुर शहर में खेजरली आंदोलन वन संरक्षण के लिए किसके कारण हुआ था? दोस्तों वन संरक्षण के लिए हुआ था। शीत ऋतु में पश्चिम राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण, अधिक ठंड पड़ने का कारण 81 प्रश्न का राइट आंसर। दोस्तों यहाँ पर रेतीला धरातल, कैसा है? रेतीला धरातल है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वन्य जीव एवं जैव विविधता संरक्षण का बाध्य है? 82, और दोस्तों 82 प्रश्न का राइट आंसर है वनों का उन्मूलन हो रहा है। राजस्थान के राज्य पक्षी को दर्जा, राजस्थान का राज्य पक्षी का दर्जा 83 प्रश्न का राइट आंसर। घोड़ा कौन है? घोड़ा। और ये भारत का है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, पक्षी मोर। राजस्थान में डेयरी विकास हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी संघ यानी RCDF की स्थापना 1977। राजस्थान के निम्न लिखित कृषि तथ्यों पर विचार का कौन सा कथन गलत है? क्या है? कौन सा कथन गलत है? कपास का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर हनुमानगढ़ 85 सही है। बाजरे के उत्पादन में यस, लेकिन दोस्तों ये हो गया आपका परंपरागत रूप से राजस्थान में गेहूं को रबी, ये आपका गलत हो गया। और राजस्थान की कृषि मानसून पर निर्भर करती है। प्रसिद्ध नागौर में स्थित गोटन, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल पूछा गया गोटन किस जिले के अंदर है? तो नागौर जिले के अंदर है। ये सीमेंट के लिए, और सीमेंट कैसी? सफेद, सफेद सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु नहर परियोजना का विकास 87 प्रश्न का राइट आंसर इंदिरा गांधी नहर परियोजना। राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता किस जिले में? महिला साक्षरता कोटा के अंदर है, पुरुष साक्षरता झुंझुनू के अंदर है। क्या है? झुंझुनू के अंदर। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है? तो दोस्तों सबसे अधिक ऊंची की बात करें तो अरावली सबसे ऊंची, कौन सी है? अरावली सबसे ऊंची है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम यानी RTDC का मुख्यालय, दोस्तों RTDC का मुख्यालय कहाँ पर है? यस जयपुर के अंदर। कहाँ है? जयपुर के अंदर है। स्तर कीमतें ये इकोनॉमिक्स से संबंधित है, और जो 2018 का पेपर है तो ये पूछा गया था, तो मैं इसका सीधा आंसर बता देता हूँ।
5,73,628 करोड़ के बीच। ये भी दिसंबर 2017, क्योंकि 2018 का पेपर था। किस शहर में द्वितीय डीजी फेल्ट का आयोजन किया गया था? 92 नंबर उदयपुर के अंदर है। सूरतगढ़ तापीय विद्युत केंद्र थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है? 93 प्रश्न का राइट आंसर कुल 6 है, और ये कहाँ पर है? सूरतगढ़ गंगानगर है। कहाँ सूरतगढ़ कहाँ है? गंगानगर के अंदर स्थित है। राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना किस वर्ष परिचालित की गई? 93 यस, ऑप्शन नंबर बी 1973 को परिचालित की गई। राजस्थान में डॉक्टर सविता अम्बेडकर जैन अंतरराज्य विवाह आयोजन किस वर्ष किया गया? यस 2006। अनुवर्ती योजना के बारे में पूछा गया, अनुप्रति योजना, यस अनुप्रति योजना के बारे में कौन सा कथन पूछा गया है? अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए प्रोत्साहन योजना में जब सरकारी चिकित्सा मेडिकल एवं अभिनियंत्रण कॉलेज महाविद्यालय कॉलेज में प्रवेश। नेक्स्ट देखेंगे, 9वीं से 12वीं कक्षा की छात्रों को अपनी बेटी योजना के अंतर्गत प्रदान की गई आर्थिक सहायता, यस राइट आंसर, प्रति छात्र 1500 रुपये प्रति वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी जिसका साथ राजस्थान राज्य सहकारी बैंक द्वारा सहकार जीवन बीमा सुरक्षा योजना के अंतर्गत? SBI लाइफ इंश्योरेंस। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? 99 प्रश्न का राइट आंसर अनुच्छेद 165। और आज का 100 नंबर प्रश्न, राजस्थान की पहली विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित किए गए थे? 100 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों 160। और दोस्तों 21 नवंबर कब दोस्तों? 21 नवंबर के दिन आपको हम देने वाले हैं राजस्थान पुलिस 2021 कंप्यूटर के अंदर। दोस्तों कंप्यूटर का भाग यहां पर हम आपको देंगे, रीजनिंग हम क्वेश्चंस आपको देंगे, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान ये हम आपको देने वाले हैं। साथ में दोस्तों महिला एवं बाल अपराध के प्रश्न, और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राजस्थान कला साहित्य से क्वेश्चंस। अभी हमारा जो कंप्लीट हुआ है इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, हमने 25 पेपर सेट यहाँ पर डाले। कितने दोस्तों? 30 पेपर सेट, 10-10 क्वेश्चनों के 30। जैसा आपका एग्जाम होगा वैसे के वैसे यहाँ पर आपको टेस्ट देना है। क्या देना है? तो हमारा ये कंप्लीट हो गया है, इसमें हमने 30 टेस्ट डाले 10-10 क्वेश्चंस के, क्योंकि पार्ट सी के अंदर है। और हमने दोस्तों ये जो 10 पेपर सेट है कितने यहाँ पर देखेंगे, पार्ट्स बी, जो पार्ट्स बी सामान्य ज्ञान सामान्य विज्ञान है इसके अंदर हमने देखिए, अब देखिए आप कहेंगे इसमें 525 है, 525 में हमने 15 सेट बनाए। कितने सेट बनाए? 15 सेट बनाए। और उसके साथ कंप्यूटर के कितने हम पेपर, 30 क्वेश्चन आएंगे तो दोस्तों देखेंगे 8, हमने अभी तक 8 पेपर ऐड किए। कितने के? 8 पेपर ऐड किए, इसको भी हम बढ़ाएंगे। ये आपको क्वेश्चंस है, एक पेपर सेट के अंदर 30 प्रश्न है, रीजनिंग के अंदर भी हम आपको ऐड प्रश्न करेंगे, और साथ में ये हो गया। उसके बाद में कला संस्कृति में एक पेपर के अंदर 45 क्वेश्चंस है। तो यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं हम देंगे। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो ये पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, परीक्षा तक का कोई आपका चार्ज नहीं लगेगा। आप घर बैठे मॉडल पेपर सेट कर सकते हैं, आप स्कोर बना सकते हैं, अच्छा पेपर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हम आपके लिए लिखा है, इसका PDF फाइल टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। स्टार एजुकेशन पुलिस, टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या? स्टार एजुकेशन पुलिस, एक ही लक्ष्य है, राजस्थान पुलिस। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।